वेलकम टू टेम्पटिंग ट्रीट्स। आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा। इसके लिए हमारे पास ये सूजी है, कटोरी, चीनी है, देसी घी है, कुछ ड्राई फ्रूट्स है और ये दूध है। सबसे पहले हम बनाते हैं इंस्टेंट खोया। इसके लिए हमने ये कढ़ाई गर्म कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ये देसी घी। घी को हम मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे ये 2 चम्मच दूध है, इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही ये हमारे पास मिल्क पाउडर है, इसको हम डाल देंगे 2 चम्मच और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा खोया बन के रेडी हो गया है। इसको 5 मिनट तक हमने ऐसे ही बिल्कुल चलाते हुए बना लिया है। अब इसको हम गैस को ऑफ करते हैं, इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमने ये फिर से सेम कढ़ाई ले लिया है और इसमें डाल देंगे हम ये घी। घी को मेल्ट हो करके इसके बाद हम इसमें सूजी डालेंगे। घी मेल्ट हो गया है, अब इसमें हम सूजी डालकर इसको भून लेंगे। देखिए सूजी को भूनते हुए 5 मिनट हो गया है। मुझे लगातार इसको चलाते रहना है और तब तक भूनना है जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। देखिए सूजी भून चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छा इसमें से खुशबू भी आने लगा है। अब ये स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें दूध, इसको के साथ ही हम डाल देंगे ये चीनी। मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं कम ज्यादा। आप चाहे तो ये पानी में भी बना सकते हो, लेकिन दूध से इसका टेस्ट डबल हो जाता है, इसलिए हमने दूध डालकर इसको बनाया है। ये घी जो बच गया था इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। आप चाहे तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं या वनस्पति घी में भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी में हलवा अच्छा लगता है, इसलिए देसी घी में ही ज्यादा करके हलवा बनाए तो अच्छा लगेगा। के बाद हम ये ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे इसके अंदर। आप ऐसे ही बना सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि ड्राई फ्रूट्स डाल के ही बनाओगे। लास्ट में हमने ये खोया जो बना कर रखा हुआ है इसको हम ऐड कर लेते हैं और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। ये हलवा बनके रेडी हो गया है। हम गैस को ऑफ करते हैं और हम करते हैं प्लेटिंग इसके। देखिए मेरा ये सूजी का हलवा बनकर बिल्कुल रेडी है और देखने में कितना लाजवाब लग रहा है। और मेरी ये डेकोरेशन आपको कैसी लग रही है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी बगल वाली घंटी को ऑल पे सेट करें और कमेंट में जरूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।